नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम तहजीब की ये महफिल लाए हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब कवि सम्मेलन तहजीब का मुशायरा लेकर उपस्थित हुए हैं। अंधेरा नफ़रतों का कम हो कुछ तो, अंधेरा नफ़रतों का कम हो कुछ तो, मोहब्बत का कोई दीपक जलाएं, जहन को भी सकून मिल जाए शायद, कोई तहजीब की महफिल सजाएं। आज हम तहजीब की ये महफिल लेकर उपस्थित हुए हैं। कवि कवित्रियाँ ये इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तहजीब इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर श्री ऋषि राज जी का और निदेशक सत्यम राज जी और श्री कृष्ण सेठी जी का। इनके सौजन्य से हम यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं। अब हमने कई दिनों के बाद यह दूसरा सीजन शुरू किया है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप सबको दीपावली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस एक शेर के साथ रीमा सिंह जी को बुला रहा हूँ। रीमा राय सिंह बहुत अच्छी कविताएं कहती हैं। हर तरफ चांदनी है चले आइए, हर तरफ चांदनी है चले आइए, आज महफिल सजी है चले आइए, हर तरफ चांदनी है चले आइए, कोई कविता बुलाती है फिर आपको, कोई कविता बुलाती है फिर आपको, एक गजल कह रही है चले आइए, चले आइए। आमंत्रित कर रहा हूँ रीमा राय सिंह जी। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता पाठ पर आती हूँ। एक दोहे के साथ मैं अपनी कविता जो है वो शुरू करती हूँ। हृदय बसा श्री राम को भवसागर हो पार, हृदय बसा श्री राम को भवसागर हो पार, नैया भी श्री राम हैं वही खेवनहार, नैया भी श्री राम हैं वही खेवनहार। और दीपावली पर एक छंद, चारों ओर उजियारा खुशियों का रंग प्यारा, मीठी मीठी खुशबू उठे हैं पकवान से, चारों ओर उजियारा खुशियों का रंग प्यारा, मीठी मीठी खुशबू उठे हैं पकवान से, पटाखों की रोशनी में दीप जले मित्रता के, पटाखों की रोशनी में दीप जले मित्रता के, हिंदू जन मिल रहे पारसी पठान से, लता के भी गीत उठे शहनाइयाँ गूंज उठी, लता के भी गीत उठे शहनाइयाँ गूंज उठी, बोल पड़ी लता जी ये बिस्मिल्ला खान से, दिवाली मनेगी मित्र भारत में देख लेना, दिवाली मनेगी मित्र भारत में देख लेना, प्यार भाव और बड़े आन बान शान से, प्यार भाव और बड़े आन बान शान से। दूसरा छंद है, कारे कारे मतवारे, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, बार बार चित मेरा तुझको निहारे हैं, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, बार बार चित मेरा तुझको निहारे हैं, राग अनुराग तू है मन का तू मीत मेरा, राग अनुराग तू है मन का तू मीत मेरा, पिया तुझ पर मैंने तन मन वारे हैं, धड़क धड़क जाए दिल मेरा हाय हाय, धड़क धड़क जाए दिल मेरा हाय हाय, पिया तुझ पर मैंने तन मन, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, बार बार चित मेरा तुझको निहारे हैं, कारे कारे मतवारे तोरे नैना प्यारे प्यारे, बार बार चित मेरा तुझको निहारे हैं, राग अनुराग तू है मन का तू मीत मेरा, राग अनुराग तू है मन का तू मीत मेरा, पिया तुझ पर मैंने तन मन वारे हैं, धड़क धड़क जाए दिल मेरा हाय हाय, धड़क धड़क जाए दिल मेरा हाय हाय, देख देख कैसे कैसे तेरे ये इशारे हैं, देख देख कैसे कैसे तेरे ये इशारे हैं, साथ तेरा जब मिला मुझको तो मेरी पिया,
साथी रजब मिला मुझको तो मेरी पिया, बदले हुए से अब मेरी ये सितारे हैं, बदले हुए से अब मेरी ये सितारे हैं। और एक रचना है मेरी जिसका शीर्षक है घर ढूंढ ही लेंगे। अश्क तो बहने की वजह ढूंढ ही लेंगे, अश्क तो बहने की वजह ढूंढ ही लेंगे, शहर तेरा मिला है तो घर ढूंढ ही लेंगे। अश्क तो बहने की वजह ढूंढ ही लेंगे, शहर तेरा मिला है तो घर ढूंढ ही लेंगे। कब तक छुपे रहोगे, कब तक छुपे रहोगे मेरी निगाह से, कब तक छुपे रहोगे मेरी निगाह से, दरिया है हम समंदर को ढूंढ ही लेंगे। माना कि मुकद्दर में तुम नहीं मेरे, माना कि मुकद्दर में तुम नहीं मेरे, तुम जैसा सनम और कोई ढूंढ ही लेंगे। पाने की कभी ख्वाहिश, खोने का कभी गम, पाने की कभी ख्वाहिश, खोने का कभी गम, इस दरमियाँ हंसने की वजह ढूंढ ही लेंगे। बेफिक्र हो तुम इतने बच्चों की तरह देखो, बेफिक्र हो तुम इतने बच्चों की तरह देखो, ना होश ना खबर है ना गम से कोई नाता, थोड़ा वक्त गुजरने दो जिम्मेदारियों के साए तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिंदगी जियो तुम जिंदा दिली से अपनी, जिंदगी जियो तुम जिंदा दिली से अपनी, ये मौत के फरिश्ते तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। अश्क तो बहने की वजह ढूंढ ही लेंगे, शहर तेरा मिला है तो घर ढूंढ ही लेंगे, शहर तेरा मिला है तो घर ढूंढ ही लेंगे। धन्यवाद। अभी आप बहुत सुंदर रचना सुन रहे थे रीमा राय सिंह जी से। अब मैं जिस शहर को मंथित कर रहा हूँ उनका नाम है श्री अभिलाष अवस्थी जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम करने के बाद वो रिटायर लाइफ जी रहे हैं और कई किताबों के लेखक हैं, कहानी, उपन्यास, कविता, गज़ल, सब विधाओं में सिद्धहस्त हैं और बेहद खूबसूरत रचनाएं कहते हैं। उन्हें मैं इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आंधियों में शामियाना हौसले की बात है, आंधियों में शामियाना हौसले की बात है, फिर चिरागों को जलाना हौसले की बात है, उम्र भर तहजीब की ये रोशनी कायम रहे, उम्र भर तहजीब की ये रोशनी कायम रहे, इस कदर महफिल सजाना हौसले की बात है। और हमारी महफिल सजाने आए हैं श्री अभिलाष अवस्थी जी। दोस्तों नमस्कार। तहजीब का ये काव्य समारोह दीपावली की भूमिका के साथ शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तहजीब संस्था को, आज के आयोजक गुलशन मदान साहब को और किशन सेठी साहब, ऋषि राज साहब और हमारे अनुज सत्यम साहब, ये सब लोगों के साथ जो ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसके लिए हम सब कवियों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। मदान साहब आपको दिवाली का आगाज करते हुए तो एक कविता आपको, जिसमें चार पंक्तियां रोशनी के विषय में आई, रोशनी जी आपके विषय में। हमने कभी सहे ना मौसम के तेवर, हमने कभी सहे ना मौसम के तेवर, और आसमां पर भी रहे नहीं निर्भर, हमने कभी सहे ना मौसम के तेवर और आसमां पर भी रहे नहीं निर्भर, हम बादल हैं धरती की प्यास बुझा देंगे, हमको सावन के बिना बरसना आता है। हमने कभी सहे ना मौसम के तेवर और आसमां पर भी रहे नहीं निर्भर, हम बादल हैं धरती की प्यास बुझा देंगे, हमको सावन के बिना बरसना आता है। इसमें प्रकाश का जो बंध है आज के दीपावली के संदर्भ में कि हम जुगनू नहीं जो क्षणिक उजाला पाते हैं, हम जुगनू नहीं जो क्षणिक उजाला पाते हैं, प्रदीप जी, हम जुगनू नहीं जो क्षणिक उजाला पाते हैं, हम दीप नहीं जो तूफान से घबराते हैं, हम जुगनू नहीं जो क्षणिक उजाला पाते हैं, हम दीप नहीं जो तूफान से घबराते हैं, हम तो तपते सूरज की ठोस हकीकत हैं, ढलते हैं लेकिन चांद छोड़ कर जाते हैं, हम तो तपते सूरज की ठोस हकीकत हैं, ढलते हैं लेकिन चांद छोड़ कर जाते हैं, हमने बाहर के रास्ते कभी नहीं देखे, हम माली के आगे
घुटने कभी नहीं टेके, हमने बाहर के रास्ते कभी नहीं देखे, माली के आगे घुटने कभी नहीं टेके, हम फूल हैं इस जग को खुशबू से भर देंगे, हमको बसंत के बिना महकना आता है, हम फूल हैं इस जग को खुशबू से। ये एक बंद मैंने पढ़ा गीत का, तो ये रोशनी का एक गीत का एक बंद था और ये मेरे छात्र जीवन का गीत रहा। अब मैं एक गजल पढ़ता हूँ आपको समर्पित, फिर कि पिछली बार ही मैं आप बिल्कुल बगल में हैं और नारियों का सम्मान है, हमारी नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, सामने बैठेंगी तो ज़्यादा सम्मान करना पड़ेगा। आप रीमा जी और आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, इस मंच के लिए, आयोजकों के लिए, सबके लिए। गजल है, पिछली बाजी जब से मैंने हारी है, हाँ पिछली बाजी जब से मैंने हारी है, नई बिसात बिछाने की तैयारी। पिछली बाजी जब से मैंने हारी है, नई बिसात बिछाने की तैयारी है, और तेरी अंजुरी में एक मीठी नदिया है। रीमा जी, तेरी अंजुरी में एक मीठी नदिया है, बाकी सारी गंगा जमुना सारी है। तेरी अंजुरी में एक मीठी नदिया है, बाकी सारी गंगा जमुना खारी है, पिछली बाजी जब से मैंने हारी। और शेर देखें, तेरे दर पे इसने उसने दम तोड़ा, तेरे दर पे इसने उसने दम तोड़ा, तेरे दर पे इसने उसने दम तोड़ा, लगता है जल्दी ही मेरी बारी। तेरे दर पे इसने उसने दम तोड़ा, लगता है जल्दी ही मेरी बारी है, और मेरे बीज वृक्ष बनने से डरते हैं, मेरे बीज वृक्ष बनने से डरते हैं, माली के हाथों में पैनी आ रही है। मेरे बीज वृक्ष बनने से डरते हैं, माली के हाथों में पैनी आ रही है। और आखिरी शेर, तरुणाई में तुझे देख बौराया था, आपकी बात है, तरुणाई में तुझे देख बौराया था, उम्र ढली पर वो पागलपन जारी है, उम्र ढली पर वो पागलपन जारी है। पिछली बाजी जब से मैंने हारी है, नई बिसात बिछाने की तैयारी। एक गजल आपको पढ़ता हूं, समझाने और रोकने वालों के बावजूद। ये देखिए, इसका भूमिका कभी कभी कहने का मन करता है, मैं धर्मयुग पत्रिका में था, अरे उम्मीद जी, अरे आपको संबोधित कर रहा हूँ, हाँ, कि धर्मयुग पत्रिका में था मैं और घाट कोपर में रहता था। अचानक उन्होंने बोला, साहब मैंने घर भेज दिया है, अब आपको ये घर खाली करना है और आज ही खाली करना है। और मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो लंच पे गए हम कई सब लोग, नाम लेना, तो एक शेर बीच में बना मेरा, क्योंकि मुझे माँ को छोड़ के सबने मना किया था बम्बई मत जाओ, तो माँ ने खाली कहा था तुम जाओ। तो समझाने गजल शुरू होती है वहां से, और एक ही शेर 10-12 साल तक रहा, उसके बाद गजल बनी। समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और दिखता नहीं है, देखिए उजाले की बात है इसमें, दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, आंखों के बावजूद, उजालों के बावजूद।
दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, आंखों के बावजूद, उजालों के बावजूद, और उनकी गली में, फिर वो शेर आता है, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बार बार हम, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद, और हमने तो झाड़ पोछ कर, ये मेरे जीवन को रिप्रेजेंट करता है बचपन से अब तक मेरे जीवन में। और इसका शेर जरा सा एक शेर, मेरी बेटी कोटा में MBBS की तैयारी कर रही थी, तो लड़कियों का हॉस्टल तो अलग रूम था उसका, तो एक साल के बाद हम हस्बैंड वाइफ उसको लेने गए, सारा सामान हम लोग घर से हॉस्टल जा नहीं सकते, आ गया टेम्पो में रख दिए, कोटा स्टेशन आना था, तो उसके हाथ में एक कार्ड शीट थी मोड़कर, तो हमने कहा ये भी रख दो, कहते नहीं पापा ये हाथ में पकड़े, तो वो हाथ में पकड़े पकड़े समझ नहीं क्या है। फिर बांद्रा उतरे, बांद्रा से घर आए, तो घर में हमने कहा आप कार्ड शीट तो खोलो, ये क्या लिखा है इस पे, तो यही शेर मेरा लिखा था उसने और अपने कमरे में लगाया था। क्या शेर, हम जाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद, और उसने शेर क्या लिखा था, एक साल दूर पहली बार हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, 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 लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद, हमने तो झाड़ पोछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद, हम दौड़ पड़े पांव में छालों के बावजूद। और आखिरी शेर है इसका, झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्म में, वज्म मैंने जानबूझ के लगाया, ये यहाँ जरूरी था, झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्म में, इस रहे गुजर में इतने शिवालों के बावजूद, झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वजह में, त्रय गुजर में इतने शिवालों के बावजूद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर गुलशन मदान जी, ऋषिराज, सत्यम जी और किशन सेठी जी का, और ऐसे आयोजन करते रहें। वाह 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 वाह। अभिलाष जी जिक्र कर रहे थे वफा खलूस का, और अश्विनी जी के बैनर मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं अभिलाष जी के लिए एक बात कहूँगा, मोहब्बत के हंसी आलम से पहले, मोहब्बत के हंसी आलम से पहले, कहाँ गम था तुम्हारे गम से पहले, और ये लहजा प्यार का सीखा कहाँ से। अभिलाष जी, ये लहजा प्यार का सीखा कहाँ से, मिला था कौन तुमको हमसे पहले। मैं अश्विनी जी का जैसे जिक्र हो रहा था कि बैनर बनाते हैं, बैनर सजाते हैं, मैं उन्हें इस महफिल में बुला रहा हूँ, और इस शेर के साथ, खलूस नाम है इसका, खलूस नाम है मेरा सलाम करता हूँ, इनकी तरफ से कह रहा हूँ मैं, खलूस नाम है मेरा सलाम करता हूँ, मैं नफ़रतों को मिटाने का काम करता हूँ, कोई उम्मीद हूँ, इनका नाम है अश्विनी उम्मीद, कोई उम्मीद हूँ मैं हूँ वफा का ताजमहल, कोई उम्मीद हूँ मैं हूँ वफा का ताजमहल, मैं चाहतों को सजाने का काम करता हूँ। तो ऐसी चाहतों को सजाने वाले अश्विनी उम्मीद से निवेदन है, मंच तक आए अश्विनी उम्मीद। वाह 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 वाह। नमस्कार, तहजीब के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से तहजीब का यह नया सीज़न आपके सबके सामने पेश है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि रिश्ता पुराना सोच नहीं। दिवाली का मौसम है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। उसी के साथ एक मेरा गीत है, उसका एक बंद पेश करूंगा, उसके बाद एक शेर और एक गजल। रोशनी बुझते चिरागों पर लुटाता रह गया, रोशनी जी, रोशनी बुझते चिरागों पर लुटाता रह गया, मैं चमकना चाहता था टिमटिमाता रह गया। और बंद देखिएगा,
उसी का संदर्भ है कि रोशनी बुझते चिरागों पर लुटाता रह गया, मैं चमकना चाहता था टिमटिमाता रह गया, रोशनी भरपूर लेकर मैं चला था राह में, अपनी मंजिल पर पहुंचकर चमकने की चाह में, राह के कच्चे घरों में मैं अंधेरा देखकर, कर्ज में डूबे किसानों का बसेरा देखकर, भूख का और बेबसी का सख्त पहरा देखकर, दीप उनकी झोपड़ी के मैं जलाता रह गया, रोशनी बुझते चरागों पर लुटाता रह गया, मैं चमकना चाहता था टिमटिमाता रह गया, मैं चमकना चाहता था टिमटिमाता रह गया। मुख्य रूप से मैं शायर हूँ, शायरी के लिए एक अलग माहौल चाहिए होता है, हमारे बीच सभी शायर बैठे हैं, पहले मैं वो माहौल क्रिएट करूँगा फिर एक गज़ल आपके सामने पेश करूँगा। देखिए चार मिसरे यूं हुए, ताज भाई, गम बराए मेहरबानी आ गया, गम बराए मेहरबानी आ गया, लेके कुछ यादें पुरानी आ गया, अब नए अशार कह पाऊंगा मैं, फिर मेरी आंखों में पानी आ गया, अब नए अशार कह पाऊंगा मैं, फिर मेरी आंखों में पानी आ गया। और ये देखें कि अभी मैं पिछले दिनों लखनऊ गया था, मेरा गांव है, मेरा पैतृक घर है वहां पर, तो एक मतला और कुछ शेर बने। शहर से जब मैं गांव में आया धूप से जैसे छांव में आया, शहर से जब मैं गांव में आया धूप से जैसे छांव में आया, और जिंदगी हो गई है नारद सी कैसा चक्कर ये पांव में आया, जिंदगी हो गई है नारद सी कैसा चक्कर ये पांव में आया। और ये शेर देखें कि अंत में द्रौपदी लगा बैठे दौर ऐसा भी दांव में आया, अंत में द्रौपदी लगा बैठे दौर ऐसा भी दांव में आया। और ये देखें कि जब से देखा हाल बिचारी बिरहन का रो रो करके हाल बुरा है सावन का। और ये शेर खास तौर पे कि अब तक इतनी बार कलाई पकड़ी है नाप बता सकता हूं उसके कंगन का, अब तक इतनी बार कलाई पकड़ी है, शुक्रिया, अब तक इतनी बार कलाई पकड़ी है नाप बता सकता हूं उसके कंगन का। अब एक गजल पेश करता हूं फिर अपनी जगह लूंगा, जो कुछ सुनाऊंगा नया सुनाऊंगा, नए के सिवा कुछ नहीं सुनाऊंगा। ये मतलब यूं हुआ हीरालाल जी के शेर पढ़ेगा दर्द कहां से लाएगा, शेर पढ़ेगा दर्द कहां से लाएगा, मुझको मुझसे बेहतर कौन सुनाएगा, शेर पढ़ेगा दर्द कहां से लाएगा, मुझको मुझसे बेहतर कौन सुनाएगा। और इल्म की दौलत हासिल करने की एक शर्त जो ढूंढेगा वो ही इसको पाएगा। और ये शेर खास तौर पे देखें, मैं गुलशन जी को ये नजर करता हूं, ये शेर, इल्म की दौलत हासिल करने की एक शर्त जो ढूंढेगा वो ही इसको पाएगा, और तेरी कहानी बिल्कुल मेरे जैसी है बस कर पगले अब क्या मुझे रुलाएगा। और शेर देखें कि रूठ कोई भी सकता है तेरे जैसा, रीमा राय जी को कहना चाहता हूं, रीमा राय जी बैठी हैं, कि रूठ कोई भी सकता है तेरे जैसा, मेरे जैसा तुमको कौन मनाएगा, रूठ कोई भी सकता है तेरे जैसा और मेरे जैसा तुमको कौन मनाएगा। और ये आखिरी शेर गजल का,
ये तो सच है, ख्वाब उसी के होंगे सच। ये तो सच है, ख्वाब उसी के सच होंगे जो अपनी आंखों को ख्वाब दिखाएगा। ये तो सच है, ख्वाब उसी के होंगे सच जो अपनी आंखों को ख्वाब दिखाएगा। और रूठ कोई भी सकता है तेरे जैसा, मेरे जैसा तुमको कौन बनाएगा, मेरे जैसा तुमको कौन बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी कहानी बिल्कुल मेरे जैसी है। अश्विनी जी बहुत खूबसूरत शेर सुना रहे थे। लोग कहते हैं कहानी आपकी, लोग कहते हैं कहानी आपकी, दर्द है मेरा जबानी आपकी, और हाले दिल कहता हूँ पर एक शर्त है, हाले दिल कहता हूँ पर एक शर्त है, आँख में आए ना पानी आपकी। और दिल दुखाते हैं मेरा ये लोग सब, अश्विनी जी दिल दुखाते हैं मेरा ये लोग सब, छेड़ कर बातें पुरानी आपकी। तो बहुत खूबसूरत अशार अभी आप अश्विनी जी से सुन रहे थे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ अनुज वर्मा जी को एक छोटी सी रचना के लिए। एक शेर याद आ रहा है मुझे दिवाली पर, पटाखों की नई किस्में तो वो ईजाद कर देगा, पटाखों की नई किस्में तो वो ईजाद कर देगा, मगर बारूद से सारी फिजा बर्बाद कर देगा। अनुज वर्मा जी। नमस्कार, मंच पर सभी उपस्थित महानुभावों को नमन करता हूँ, अपने गुरुओं को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ और एक गजल पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि दीप तूफा में जलाना चाहिए, दीप तूफा में जलाना चाहिए, जिंदगी को आजमाना चाहिए, दीप तूफा में जलाना चाहिए, जिंदगी को आजमाना चाहिए। हौसलों ने ये सिखाया है हमें, हौसलों ने ये सिखाया है हमें, दर्द में भी मुस्कुराना चाहिए, दर्द में भी मुस्कुराना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइनें देखिए, दुख के साये में कटे हैं दिन कई, दुख के साये में कटे हैं दिन कई, दिल को फिर मौसम सुहाना चाहिए, दिल को फिर मौसम सुहाना चाहिए। और दिन गुजर जाए अगर राजी खुशी से, दिन गुजर जाए यदि राजी खुशी से, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। और अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं, दूसरों के काम मैं भी आ सकूं, दूसरों के काम मैं भी आ सकूं, ये हुनर भी मुझको आना चाहिए, ये हुनर भी मुझको आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत ताज मोहम्मद साहब ने रचनाएं पढ़ी, बहुत खूबसूरत अशार थे। दिवाली का उत्सव है, हमारे साथ रोशनी है, दिवाली का पर्याय है, हर तरफ है यहाँ रोशनी चांदनी, हर तरफ है यहाँ रोशनी चांदनी, लग रही है मुझे जिंदगी चांदनी, आज तारों की ओढ़े हुए ओढ़नी, आज तारों के ओढ़े हुए ओढ़नी, मेरी महफिल में अब आई है चांदनी, मेरी महफिल में अब आई है चांदनी, और बांट दी इन अंधेरों को लेकिन अभी, बांट दी इन अंधेरों को लेकिन अभी, मेरी मिट्टी में है ढेर सी चांदनी। तो बहुत खूबसूरत महफिल चल रही है। मैं आमंत्रित करता हूँ रोशनी किरण जी को, दीपावली के अवसर पर रोशनी जी इस मंच को जगमगाएं। नमस्कार आप सभी को, शुभ संध्या। और तहजीब के इस कार्यक्रम में मैं कुछ दिवाली पर अपनी रचनाएं लेकर आई हूं, और दिवाली पर एक गज़ल मैं तहत में ही रखती हूं, सुनिएगा आप लोग को अच्छी लगेगी। सदा शुभ आचरण करना, शपथ लें हम दिवाली में,
सदा शुभ आचरण करना शपथ लें हम दिवाली में, अंधेरों से निकल बाहर मिटाएं तम दिवाली में। सदा शुभ आचरण करना शपथ लें हम दिवाली में, अंधेरों से निकल बाहर मिटाएं तम दिवाली में। और नफ़रतों की ये दीवारें बहुत हलचल मचाती हैं, नफ़रतों की ये दीवारें बहुत हलचल मचाती हैं, लुटाकर प्यार का सावन करें कुछ कम दिवाली में। बहुत बहुत आभार। जलाएं एक दिया ऐसा कि मन आनंद में झूमे, जलाएं एक दिया ऐसा कि मन आनंद में झूमे, सभी के मन की पायलिया बजे थम थम दिवाली में, सभी के मन की पायलिया बजे थम थम दिवाली में। और सनातन जो सिखाता है उसी पर यदि चलें हम सब, सनातन जो सिखाता है उसी पर यदि चलें हम सब, नहीं होंगी कभी आँखें किसी की नम दिवाली में। सनातन जो सिखाता है उसी पर यदि चलें हम सब, नहीं होंगी कभी आँखें किसी की नम दिवाली में। किसी का सुन किसी से लड़ न तुम बेकार में बैठो, किसी का सुन किसी से लड़ न तुम बेकार में बैठो, कि मन की शांति खो जाए जकड़ ले गम दिवाली में। और खुले नभ में परिंदे ज्यों बिचरते हैं यूं बिचरो तुम, खुले नभ में परिंदे ज्यों बिचरते हैं यूं बिचरो तुम, मिटा ईर्ष्या कपट छल भी भुला ले दम दिवाली में। और मगता है कि किरण है जानती यम और यमुना की कहानी को, यम और यमुना भाई बहन है, किरण है जानती यम और यमुना की कहानी को, उसी का ढूंढती भाई मिले अब यम दिवाली में, मिले अब यम दिवाली में। तो ये गज़ल थी दिवाली पर। और एक गज़ल, जैसे कि दो रचना पढ़नी है तो एक और पढ़ती हूँ। जब हमें दिल से किसी से प्यार होता है, जब हमें दिल से किसी से प्यार होता है, बिन कहे आँखों से ही इजहार होता है। जब हमें दिल से किसी से प्यार होता है, बिन कहे आँखों से ही इजहार होता है। प्यार से मिलती हैं खुशियाँ इस जमाने में, प्यार से मिलती हैं खुशियाँ इस जमाने में, प्यार से मिलती हैं खुशियाँ इस जमाने में, बस यही जीवन का तो आधार होता है। प्यार से कोई अछूता है नहीं जग में, प्यार से कोई अछूता है नहीं जग में, इससे ही रब का हमें दीदार होता है। और इस इबादत को अगर जो जान ले कोई, इस इबादत को अगर जो जान ले कोई, प्यार पाने का वही हकदार होता है। इस इबादत को अगर जो जान ले कोई, प्यार पाने का वही हकदार होता है।
सुबह का अद्भुत नजारा देख कर जाना, सुबह का अद्भुत नजारा देख कर जाना। सृष्टि के कण कण में वो इतबार होता है। बहुत बहुत आभार। छल कपट करने से पहले सोच ले इंसान, छल कपट करने से पहले सोच ले इंसान। जिंदगी जीना यहाँ दुश्वार होता है। हम हमेशा प्यार बांटे दिल यही चाहे, हम हमेशा प्यार बांटे दिल यही चाहे। प्यार ही अनुपम किरण उपहार होता है। हम हमेशा प्यार बांटे दिल यही चाहे, प्यार ही अनुपम किरण उपहार होता है। बिन कहे आँखों से ही इजहार होता है। जब हमें दिल से किसी से प्यार होता है। बहुत बहुत आभार।